Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है जो सच बात है थोड़ा सा नहीं काफी हाई फीवर हो गया बट ही स्टिल कम सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड सात दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये बहुत ही एक्साइटेड है हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है एक्सपेक्टेशंस बहुत है अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये बोलता है ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है जो डायरेक्टर का विजन है करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे आई होप वी कैन ऑल आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए ही इज़ डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म for example, Kargil, he shot in minus two degrees, shirtless scene. he's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको. तो I'm sure it'll all pay off. All been so positive actually बहुत ही positive reaction feedback मिला है ना सिर्फ industry के लोगों से but you know इतने सारे जो fans हैं इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है एंड जो ग्रैंडियर जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव बहुत लोगों के इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कॉल्स भी आए हैं एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है उसी वजह से बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है पूरे देश के लिए बनाई है बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है सो वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म या इट इज़ आई थिंक जिस तरह के द विजन द डायरेक्टर हैड द वे ही वॉन्टेड टू माउंट द फिल्म इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन एक्सटेंडेड बजट विच प्रॉब्ली वी यू नो डिड नॉट हैव अर्लियर बट आई ऑल्सो फील लाइक दैट्स वाई इट्स अ वेरी बिग कास्ट इट्स यू नो देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स you know all the actors coming together and it's not just the four of us even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt you know we also have Kunal Khemu in the film we also have Kiara in the film all the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision to hum usi ke sath chal rahe and you know sometimes when you have to kind of mount that scale you do require that sort of budget I think because he's very passionate about it. And there's no badnami in this. I think it's nahi. In fact, it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to, you know, it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. Huh? I think he's gifted when it comes to marketing and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक film को कैसे पेश किया जाए जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका interest correct तो you know बांध के रखता है I think that's very very nice Varun we are sorry we are very proud of you thank you You also have been like you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt.
So how it is different from other films and how it is more challenging? You know, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकेंड फिल्म, इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी इज़ हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो ऑब्वियसली यू हैव यू बीन पार्ट ऑफ वेरी बिग फिल्म, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली टुगेदर दिस इज ऑल आर करियर्स बिगेस्ट फिल्म इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्केल. तो एक तरीके से एज यंग एक्टर्स दिस इज प्रेशर ऑन ऑल आर शोल्डर्स दैट वी हैव टू डिलीवर नाउ एंड वी हैव टू शोकेस दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ मैग्नम ओपसेस. हम लोग भी वो डिलीवर कर सकते हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड विद अ यंग डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है, इट्स हिज सेकेंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाए. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज सो मच आइडलाइज किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई हैव डन अ फिल्म विथ हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कम्प्लीट ऑनर. Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. Okay. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me, and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Okay, वेल पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल, टू बी ऑनेस्ट. ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू कुड ओनली थैंक अभिषेक, दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. Okay, so इसके साथ में जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजीव हो, स्टेन होता है, तो and now कलक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो I don't know, they'll have to come to me. But I'm sure there are so many, you know, amazing right now, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's original very, album. Yeah, it's an original soundtrack, it's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, keeping, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग टू अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है, एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द्वेशी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज अनबिलीवेबल. ऑल्सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द सिंगर्स, द प्रोग्रामर्स, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य. आई थिंक बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं, और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो इन ऑल द चार्ट्स 1, 2, 3 ऑल द सॉन्ग्स हैव पिक्ड अप, विच इज़ अमेजिंग, यू नो. एंड इट्स अ म्यूजिकल फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नए चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहे हैं, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट.
So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. So actually, आपके लिए कितना difficult है दबंग की shooting कर रहे हैं जो काफी popular हो रहा है बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग में वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी. बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years. सो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना you love what you're doing, तो वो काम नहीं लगता, it's passion. मैं कल भी क्राउड आपको चीयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था. कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. मेरे को आपसे ये काफ़ी अलग तरीके के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले किरदार में देखा एंड अब जो आप प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना अलग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म, आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर. तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म था, तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने. बिकॉज आई हैड टू फील समवट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर, आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट. And still I never felt prepared. And I think as an actor, वो एक अच्छा feeling है जब आप unsure हो आपके काम को लेके, when you're not sure whether what you're doing is working or not. And that's the feeling I had throughout this film. My question, we last two questions. This film is talking about love, eternal love. कितना believe करते इस चीज़ में, और इन दिनों परिभाषा क्या आपके साथ? Yeah, I think ये बहुत relatable है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कैन बी विद दैट पर्सन, यू नो वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कैन बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है, आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है, इटर्नल लव डज. पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था, तो इवन आई वॉज थिंकिंग, बट देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल, और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मींस व्हाट, फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू द डे दैट यू आर अलाइव, फॉरएवर एंड एवर, इवन आफ्टर यू आर प्रोबब्ली डेड एंड गॉन. बट जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो, देन देयर इज नो थिंग ऑफ मैं कम 10% कम 20% ज्यादा. इन योर हार्ट और इन योर लाइफ व्हेन यू फील ट्रू लव, इट ऑलवेज फील्स लाइक इटर्नल लव. और हर कैरेक्टर, दिस वर्ड इटर्नल लव, आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं. ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक्स सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में, और हर कैरेक्टर एक अलग जर्नी का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में, एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन, आप आपके फर्स्ट क्लास मोमेंट्स जानना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट. फर्स्ट क्लास मोमेंट वरुण, मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4:30 बजे शुरू होता था जब शूटिंग पैकअप होता था एंड वी वुड हम लोग जाते थे होटल और फोन पे हम लोग 4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था, मतलब 4:30 बजे हम लोग ऑर्डर कर लेते थे. नत्थू के सेट पे तो होता, नत्थू खेरा पे होता अपना. हां, हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे, साथ में खाते थे. आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ, बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा किया. हां, आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक honestly dancing with dancing in front of I think yeah I think my ghar more ek pardes ya moment will be my most first class. My first class moment was this film only, I think. Okay, so best film making is a different process altogether, and then uske baad release hona wo ek alag process hai. Ek film aa rahi hai PM Narendra Modi ke upar, but election commission has like put a hold on that film till the time election is out. As a Bollywood fraternity, what do you guys have to say? I think as far as when things involve the election commission, and क्योंकि elections आ रहे हैं, we have to respect these processes and we'll let it be. If obviously it's part of our fraternity, अगर fraternity के साथ if any of us get a call, if we need to help out, we will obviously. But we all have to respect the jurisdiction and the law. So. Okay.
So I think whatever the law decides has to work. Done, thank you. Done. Thank you. Sorry? You were the part of it. Actually, it feels very surreal okay, already the second part is there and we are really excited to see the trailer. I think Tiger Shroff is... Yeah, I think Tiger is superb. Ananya and Tara are coming in this film. And I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. Kabhi aisa maine kabhi socha nahi tha ki main ek film karunga aur uska sequel banega. Sequel already banega. Itna jaldi wo bhi. It feels like बहुत जल्दी actually 6 साल हो गए but it feels like very soon. क्योंकि हमें अभी तक लोग student बुलाते हैं तो शायद इसके बाद वो नहीं मुझे लगता है वो कभी जाएगा नहीं पर you never know in 3 we might go back to school. Thank you guys. Guys wait he's been on second. अरे आपने. I'm very happy I've answered this question before. Thank you. We want you to fight. Thank you. Come. Thank you. Thank you. Not bad. Asked a hard one.